जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बल में मुठभेड़ शुरू हो गई है। मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, ये जो दो आतंकी मारे गए हैं, इनको एक मकान से पकड़ा और उनको ढेर कर दिया, क्या उस मकान में और भी आतंकी मौजूद हैं अभी? देखिए, अभी जो खबर आ रही है, एनकाउंटर खत्म हो गया है और अभी सर्चेस चल रही हैं। दो मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। एक की आइडेंटिटी जो है लियाकत के तौर पर हुई है, जैसा अभी सूत्र बता रहे हैं, और दूसरे की अभी आइडेंटिटी एसेटेंट की जा रही है। तो वहां से हथियार भी बरामद किए गए हैं और अभी चूंकि एनकाउंटर खत्म हो गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि दो ही मिलिटेंट वहां पे छुपे हुए थे, दोनों मिलिटेंट मारे गए हैं और अभी सिर्फ सर्च चल रही है और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। चूंकि पहले ही सिक्योरिटी फोर्स ने बार बार कहा है कि जब भी कहीं एनकाउंटर साइट होगी उसके नजदीक लोग ना जाएं, और ताकि वहां पे जो कोई बारूदी मवाद होगा वो उसकी वजह से सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे। तो इस वजह से काफी टाइम लगता है आजकल कॉम्बिंग ऑपरेशन में, और उसके बाद ही लोगों को वहां जाने की इजाजत दी जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिफत आपका। दिल्ली में उद्घाटन के बाद आम लोगों के लिए खोले गए सिग्नेचर ब्रिज पर खतरनाक तरीके से सेल्फी खींच रहे लोग हादसों को दावत दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कोई कर्मचारी ब्रिज या उसके आसपास मौजूद नहीं है, जिस वजह से यहां रोज लोग जमकर हुड़दंग करते हैं। यहां आने वाले कुछ लोग स्टंट करते हैं, ब्रिज पर चढ़कर सेल्फी लेते भी नजर आ रहे हैं। इस तरह की दिक्कतों की वजह से ब्रिज से गुजरते वक्त लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के अलीगढ़ में एक पेट्रोल पंप पर एक कार सवार ने पहले पेट्रोल भरवाने के लिए एक बाइक सवार पर राइफल तान दी। बताया गया कि बाइक सवार को बंदूक दिखाने वाला समाजवादी पार्टी के कोड़ियागंज इलाके के चेयरमैन का बेटा है, जिसने मामूली बात पर पेट्रोल भरवा रहे एक आदमी पर राइफल तान दी, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गईं, जिनमें देखा गया कि एक आदमी अपनी बेटी के साथ बाइक में पेट्रोल भरवा रहा था। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के कोड़ियागंज चेयरमैन इरफान खान पहलवान के बेटे जिशान ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से उनकी स्कॉर्पियो कार में पहले पेट्रोल भरने को कहा, जिसका बाइक सवार ने विरोध किया। तो जिशान ने पहले पास रखे कोन से बाइक सवार पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जब बाइक सवार ने अपनी बाइक नहीं हटाई तो गुस्से में जिशान ने कार में रखी राइफल निकाली और बाइक सवार पर तान दी। इसके बाद कार में बैठे कोड़ियागंज के चेयरमैन इरफान खान खुद उतरे और समझा बुझाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश करने लगे। इस बहस के बाद खौफ में आए पेट्रोल पंप कर्मचारी ने पहले कार में पेट्रोल डाला और उन्हें वहां से रवाना किया। इस बीच बाइक सवार की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई। कोड़ियागंज के प्रधान के पुत्र द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पे राइफल तानने का मामला सामने आया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी और उसमें जो अभियुक्त उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बताया गया कि बाइक सवार बीजेपी कार्यकर्ता है और उसने आरोपी की राइफल का लाइसेंस रद्द करने की मांग भी की। वहीं कोड़ियागंज के चेयरमैन इरफान खान ने बीजेपी कार्यकर्ता के शिकायत वापस लेने का दावा किया। नोटबंदी के दो साल बीतने के बाद भी सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नोटबंदी के दो साल पूरे होने पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। नोटबंदी के दो साल पूरा होने के बाद कांग्रेस धरना प्रदर्शन पूरे देश में कर रही है और दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने धरना दे रहे थे। इस बीच कार्यकर्ताओं ने हाथ में कुछ पोस्टर ले रखे थे जिन पर नोटबंदी और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। प्रोटेस्ट में कांग्रेस के आला नेता भी शामिल हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले गई। 8 नवंबर को मोदी जी ने किया था वो देश के साथ अन्याय था और भारत की जनता के साथ। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन में भी प्रोटेस्ट जारी रखा और जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने नोटबंदी को बड़ा घोटाला बताया और सरकार को माफी मांगने की नसीहत दे दी। सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो नोटबंदी का अपराध हुआ है इसके लिए वो माफी मांगे देश से और अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक करें इसके लिए प्रभावी कदम उठाएं। नोटबंदी के दो साल बीतने पर कांग्रेस ने देश के अलग अलग हिस्सों में मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर विरोध जताया, जिनमें चंडीगढ़ भी शामिल रहा। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने RBI ऑफिस के घेराव की कोशिश की और PM को भी निशाना बनाया, क्योंकि हंगामा नोटबंदी को लेकर था जिसका ऐलान ठीक दो साल पहले PM ने ही किया था। लिहाजा दूसरे शहरों की तरह चंडीगढ़ में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और गवर्नमेंट पर करप्शन के आरोप लगा दिए।
पंजाब कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरबीआई ऑफिस के घेराव की भी कोशिश की। वो मार्च निकालते हुए आरबीआई दफ्तर के नजदीक पहुंच गए। पंजाब कांग्रेस की तरफ से ये प्रोटेस्ट है जो कि आगे बढ़ रहा है। रीजनल ऑफिस आरबीआई का जो है उसका घेराव करने की कोशिश की जा रही है। आरबीआई ऑफिस के बाहर पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी वहां मौजूद थी। और तो और हंगामे की आशंका को देखते हुए दूसरे इंतजाम भी किए गए थे जिससे कांग्रेस आरबीआई ऑफिस का घेराव नहीं कर सकी। लोकतंत्र में लोग सजा देंगे, चौराहे में नहीं देंगे, वोटिंग बूथ पे जाके देंगे। 19 का जब इलेक्शन आएगा उसमें मोदी साहब की सरकार के खिलाफ एक एक जो वोट पड़ेगा वो सजा के रूप में मिलेगा। कांग्रेस ने नोटबंदी को देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला भी बताया। उधर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी सरकार पर हमले जारी रखे। पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार को घेरा था, फिर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोर्चा संभाल लिया और दो साल पहले की गई नोटबंदी को एक खराब फैसला करार दिया। डिमोनेटाइजेशन वाज एन इल-कंसीव्ड मूव इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ माय पर्सन्स हु आर टोटली अनक्वालिफाइड ऑन मैटर्स कंसर्निंग मनी एंड इकॉनमी। इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने दावा किया कि नोटबंदी का मकसद कैश जमा करना नहीं था, लेकिन पी चिदम्बरम ने ट्विटर के जरिए उन पर अटैक किया। उन्होंने ट्वीट किया कि हर एक नोट ऑफिशियली बैंक काउंटरों पर बदला गया। ये बेहद चालाकी से तैयार की गई ऑफिशियल मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम थी। उधर नोटबंदी के दो साल पूरे होने पर कांग्रेस सड़कों पर उतरी। इस दौरान मुंबई में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले संजय निरुपम ने तो प्रधानमंत्री के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया। आने वाले दिनों में जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर नोटबंदी का फैसला गलत साबित हुआ तो हमको फांसी पे लटका देना, आने वाले मई महीने में राजनीतिक तौर पे चुनाव में हरा के उनको फांसी के फंदे पे लटकाइए राजनीतिक तौर पर। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नोटबंदी के मुद्दे पर विरोध जताया और नोटबंदी से हुई तकलीफ का जिक्र करते हुए सरकार से माफी की मांग की। वहीं नोटबंदी के दो साल पूरे होने पर दूसरे विपक्षी दल भी सरकार पर हमलावर रहे और लेफ्ट ने भी सरकार के दावों को खारिज करते हुए नोटबंदी से इकोनॉमी को नुकसान होने का आरोप मढ़ा। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, छोटे मझोले सीमांत दुकानदारों की दुकानदारी खत्म हो गई। हाँ, जो बड़े पैसे वाले थे उनका काम आपने सब कर डाला। हालांकि बीजेपी ने नोटबंदी पर ऑपोजिशन के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। उल्टे नोटबंदी का विरोध करने पर सेंटर में मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। दिक्कत उनको जरूर हो सकती है जिन्हें लगता था कि बेईमानी उनका जन्म सिद्ध अधिकार है और मोदी जी ने हमारे इस जन्म सिद्ध अधिकार को कैसे छीन लिया, इसलिए वह छटपटा रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया कि नोटबंदी की वजह से इकोनॉमी को फायदा हुआ और विकास की रफ्तार बढ़ी,